गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग जंक्शन पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी, और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। दोस्तों, हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है। जब हम अर्थव्यवस्था को जान जाएंगे तभी तो हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था को समझने से। और अर्थव्यवस्था, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ का मतलब होता है मनी, और व्यवस्था का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मनी के मैनेजमेंट से जो संबंधित है वही क्या है, अर्थव्यवस्था। लेकिन दोस्तों, ये जो अर्थव्यवस्था है, आपने कभी भी जब नाम सुना होगा अर्थव्यवस्था का, तो उसके साथ में एक शब्द या किसी क्षेत्र विशेष का नाम जरूर जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था के साथ में क्या शब्द जुड़ा हुआ है दोस्तों, भारतीय, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार से जब भी हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो उसके साथ में किसी ना किसी क्षेत्र विशेष का नाम जुड़ा होता है। जैसे अमेरिकन अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, हमारे शहर की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था होती है वो पर्टिकुलर एरिया से संबंधित होती है, यानी कि दोस्तों किसी पर्टिकुलर एरिया में मनी का मैनेजमेंट करने का जो टूल है वही क्या है दोस्तों, अर्थव्यवस्था। दोस्तों, दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं के अनेक स्वरूप या अनेक फॉर्मेट्स प्रचलन में है। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि हमारे भारत में, इंडिया में अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रारूप, कौन सा फॉर्मेट प्रचलन में है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न फॉर्मेट्स के बारे में हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर फॉर्मेट्स ऑफ इकोनॉमी। तो दोस्तों, संपूर्ण विश्व में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विद्यमान है, यानी कि तीन स्वरूप हैं अर्थव्यवस्थाओं के, जिनमें सबसे पहला आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हिंदी में कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में पहले भी अध्ययन किया होगा, तो आज हम इसे एक विस्तृत और व्यापक रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दोस्तों, उसका जो दूसरा प्रारूप है वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इस प्रकार जो फॉर्मेट है, हमने बात की थी कि फॉर्मेट्स ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, लेकिन यहां तो दोस्तों हमने दो ही प्रकार लिखे हैं। एक तो लिखा हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा लिखा हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा कौन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, यहां पर मैंने दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो इनका तीसरा जो फॉर्मेट है वो इन दोनों का मिक्सचर है, और इसी कारण के जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ फीचर्स तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के होते हैं और कुछ फीचर्स सोशलिस्ट इकोनॉमी के होते हैं, वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। और दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो
इंडियन इकोनॉमी जो है वो कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि हमारे देश ने अर्थव्यवस्था के जिस प्रारूप को यहाँ की भारत की अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए चुना है वह है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि भारत में जो व्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रारूप के अंतर्गत है। दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या होती हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से पूंजीवादी से भिन्न है, और इसके बाद में हम बात करेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों की किन विशेषताओं को लेकर के या फिर किस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। दोस्तों हर इकोनॉमी जब एक विशिष्ट प्रारूप को लेकर चलती है तो उसके सामने आने वाली विभिन्न समस्याएं, समस्याएं किससे संबंधित आती है दोस्तों, भी जो हमने अर्थव्यवस्था का अर्थ पढ़ा था तो हमने बात की थी कि मैनेजमेंट ऑफ मनी की बात हम अर्थव्यवस्था में करते हैं। दोस्तों मनी के मैनेजमेंट का प्रश्न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सामने भी उठता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के सामने भी उठता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था के सामने भी उठता है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब मनी का मैनेजमेंट करती है, धन की व्यवस्था करती है, तो उसके सामने कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। दोस्तों यहाँ पर हम उत्पादन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख बिंदु होता है, या फिर कहें कि अर्थव्यवस्था की जो माप है वह उत्पादन में ही मापी जाती है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन तीन प्रश्नों, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर के रूप में काम करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों यहां पर जो मेन की पर्संस होते हैं यानी कि जिनका कंट्रोल इसके ऊपर होता है वे होते हैं दोस्तों प्राइवेट पर्संस, या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहां पर डोमिनेंट पोजीशन में होता है, वह इसके ऊपर नियंत्रण रखता है। हमने पहले ही बात की दोस्तों कि जो ये दो प्रकार हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर जब प्राइवेट सेक्टर एक डोमिनेंट पोजीशन में होता है तो यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो पब्लिक सेक्टर होता है या फिर जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल सकते हैं, ये जो है डोमिनेंट पोजीशन में होता है। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये जो तीन प्रश्न थे मनी मैनेजमेंट के, What to produce, how to produce, and for whom to produce, ये यहाँ पर decision making की power जो है किसके पास में होती है, public sector या government के पास में ये decision making power होती है। इसी प्रकार दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी यहाँ पर capital based economy इसको कहा जाता है। Second इसकी जो विशेषता है वो क्या है, capital based economy, यहाँ पर पूंजी का प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जन सामान्य की कल्याण का, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कंट्री, उसका यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लेबर बेस्ड, यानी कि यहाँ पर जनता के श्रम को आधारित, श्रम आधारित अर्थव्यवस्था होती है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि विच कंट्रीज हैव फॉलोड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन वी विल फाइंड सम कंट्रीज लाइक यूएसए जिन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। और अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख आता है रशिया एंड चाइना, इन दोनों देशों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बेसिक डिफरेंसेस के बारे में बात की कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो किन चीजों को, किन फीचर्स को लेकर साथ में चलती है, और इसके विपरीत सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किन फीचर्स को लेकर साथ चलती है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने डिक्लेयर किया था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस प्रकार की इकोनॉमी है दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड। एंड मिक्स का मतलब क्या, मिक्स का मतलब है इसमें कम से कम दो चीजें तो मिलाई जाएंगी। दो चीजें कौन कौन सी मिलाई जाएंगी दोस्तों, एक तो इसमें हिस्सा होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और दूसरा इसमें हिस्सा होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का।
तो दोस्तों समाजवादी के कुछ फीचर्स मिक्स्ड इकोनॉमी में आएंगे और पूंजीवादी के भी कुछ फीचर्स मिक्स्ड इकोनॉमी में आएंगे। तो इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद में जब अपनी अर्थव्यवस्था को यहाँ के लोगों ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने चलाने का फैसला लिया, तो उन्होंने तय किया कि ना तो हम एक्सट्रीमिस्ट रूप से कैपिटल इकोनॉमी के साथ जाएंगे और ना ही हम समाजवाद को अपनाएंगे, बल्कि हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी इन दोनों की जो गुड क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज ऑफ बोथ द इकोनॉमी हैव अडॉप्टेड बाय इंडिया एज मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि जो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट का काम है वो कुछ तो पूंजीवादी ढंग से किया जाएगा और कुछ समाजवादी ढंग से किया जाएगा। तो दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद को भी साथ लेकर चलती है और समाजवाद को भी साथ लेकर चलती है। यानी कि जैसा हमने पहले बात किया था, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट पोजीशन में था, यहाँ पर पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर पोजीशन में था, डोमिनेंट पोजीशन में। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जो इम्पोर्टेंस और या फिर जिन्हें कहीं हम राष्ट्र हित के जो मुद्दे होंगे, मैटर्स ऑफ नेशंस इंटरेस्ट या फिर पब्लिक इंटरेस्ट, उन पर तो कंट्रोल दोस्तों होगा गवर्नमेंट का या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों पब्लिक सेक्टर का। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो स्मॉल इंटरेस्ट यानी कि कम महत्वपूर्ण जो मुद्दे होंगे उन्हें प्राइवेट लोगों को डील करने के लिए दे दिया जाएगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर मनी मैनेजमेंट की पावर्स दी गई है मिक्स्ड इकोनॉमी में। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है इंडिया और इंडिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। दोस्तों भारत जब मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया तो भारत के पास में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गुड क्वालिटीज का एडवांटेज भी था और समाजवाद के जो गुड फीचर्स हैं वो भी इसमें सम्मिलित थे। हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर जो निकल के आया है वो क्या है दोस्तों, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप आपको ये जो तीनों कंसेप्ट है, हमने तीनों जो फॉर्मेट्स ऑफ इकोनॉमी की बात की, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि दुनिया में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है और दोस्तों एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिस मिक्स इकोनॉमी को इंडिया ने अडॉप्ट किया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। एंड आज की अगर हम बात करें तो भारत सफलतापूर्वक अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहा है और दोस्तों हमारे लिए एक भारतीय होने के नाते गर्व का विषय है कि दुनिया के बड़े डेवलपिंग नेशंस में हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाली जो इकोनॉमी अगर कोई है तो दोस्तों वह है हमारी इंडियन इकोनॉमी। इस समय पर दोस्तों वर्ल्ड में हाईएस्ट या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अमंग डेवलपिंग कंट्रीज इज इंडिया। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट फीचर के बारे में तो हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे दुनिया में विशिष्ट स्थान देती है और जिसके कारण आज भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दोस्तों आज के दिनों में हम देखते हैं कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनमें आईटी सेक्टर की विभिन्न कंपनीज गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इसी तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर की अनेक बड़ी कंपनियां भारत में अपने आउटलेट्स खोलने के लिए, अपनी इकाई यूनिट खोलने के लिए उद्यत है। वे चाहते हैं कि वे भारत में आए क्योंकि भारत जो है एक बिग मार्केट है, इंडिया इज ए बिग मार्केट, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या है, एक बड़ा बाजार है। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी बिग मार्केट कैसे है दोस्तों, अगर हम देखें तो भारत की पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों, इस समय पर भारत की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। दोस्तों भारत की पॉपुलेशन जब 1.3 बिलियन है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिस देश के पास में हो दोस्तों वो ऑब्वियसली बिग मार्केट होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों इंडियन इकोनॉमी की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है बिग मार्केट। फर्स्ट फीचर अभी हमने पढ़ा था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसी है दोस्तों, मिक्स इकोनॉमी है। और हमने सेकंड पॉइंट अब हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी हैज बिग मार्केट, भारत का जो बाजार है वो एक बड़ा बाजार है। तो दोस्तों इससे और इसकी क्या सब पॉइंट्स निकल के आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर भारत एक
बिग मार्केट है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, जो विदेशों की जो कंपनीज है यानी कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI जो है वो आने की संभावना है। दुनिया के अनेक देशों की जो MNCs हैं वो भारत में अपना कारोबार करना चाहती हैं, यानी कि विदेशों से यहां पर क्या है, विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश जिसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर विदेशी निवेश की संभावनाएं हैं दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में। इसके साथ ही बिग मार्केट होने पर यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया के लिए एक बाजार बना हुआ है कि जहां पर दुनिया अपने अपने देशों में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके इंडिया में उसे सेल कर सके। तो ऐसे में जब ये बिग मार्केट इंडियन इकोनॉमी है तो यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यह भी एक यूनिक फीचर है इंडियन इकोनॉमी का कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक बिग मार्केट है। इसके बारे बाद में बात करें तो जैसा कि अभी हमने अगले पॉइंट में पढ़ा था पिछले पॉइंट में कि इंडियन इकोनॉमी की जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1.3 बिलियन। तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 1.3 बिलियन ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत बड़ा जो यहाँ का जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है और तेज गति से बढ़ रही है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज इंडिया, यानी कि आफ्टर चाइना इंडिया की जो पॉपुलेशन है दुनिया में सर्वाधिक है। तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था की अन्य विशेषता हुई जनसंख्या वृद्धि, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जनसंख्या अगर उसे प्रोडक्टिव कार्यों में लगा दिया जाए तो वो देश के लिए एक असेट का काम कर सकती है, और अगर उसे बेरोजगार रहने दिया जाए, उसके पास कोई काम ना हो, तो वही देश पर बोझ बन जाती है, वही देश के लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। तो दोस्तों हमारा देश भारत निरंतर इस प्रयास में है कि भारत की इस विशाल जनसंख्या को स्किल्ड करके उसके हाथ में एक रोजगार दिया जाए ताकि यह पॉपुलेशन भारत के लिए एक असेट का काम कर सके और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सके। दोस्तों अगला हम पॉइंट की बात करें, हमने दो पॉइंट पढ़े इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में, पहला है मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज बिग मार्केट। अब हम थर्ड पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं कि भारत के पास में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो लगातार तेज गति से बढ़ रही है। दोस्तों जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसी के साथ में एक नया बिंदु इसी से जुड़ा हुआ निकल के आता है। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो ये जो पॉपुलेशन है इसके रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है यहां पर। दोस्तों जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट तीन सेक्टर्स, देयर आर थ्री सेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। तीन सेक्टर कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला है जिसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। और दोस्तों इन तीन सेक्टर्स को हम अन्य नामों से भी जानते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसे तो कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी एरिया, प्राइमरी सेक्टर। दोस्तों इसे जाना जाता है द्वितीयक क्षेत्र के रूप में, और दोस्तों इसे जाना जाता है तृतीयक या फिर सेवा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट है पूरी इकोनॉमी का वो इन तीन सेक्टर्स में ही जनरेट हो सकता है दोस्तों। और हम भारत की विशेष तौर पर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है प्रारंभ से ही एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड इकोनॉमी कही जाती है दोस्तों, यानी कि भारत की इकोनॉमी का जो एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राथमिक सेक्टर से संबंधित रखता है दोस्तों। और प्राथमिक सेक्टर के बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और फिर आता है सर्विस सेक्टर। परंतु दोस्तों वर्तमान में ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो सर्विस सेक्टर है उस सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी तेजी से गति कर रही है, और एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो हमारी डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी, वो धीरे धीरे दोस्तों कम होती जा रही है। जहां पर पहले मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन इस एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ था, जो धीरे धीरे कम होने लगा है, और अब तो हमारी जो इकोनॉमी
इकोनॉमी है उसमें मात्र 30-35% या उससे भी कम इसका योगदान रह गया है और निरंतर वृद्धि हो रही है दोस्तों हमारे सर्विस सेक्टर में, जहां पर मुख्य तौर पर जो हम बात करें आईटी कंपनीज जो है, आईटी सेक्टर जो है वो तेज गति से बढ़ रहा है दोस्तों। तो हमने बात की इंडियन इकोनॉमी के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फीचर पर जो है एम्प्लॉयमेंट, और इंडिया में तीन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इंडियन इकोनॉमी में, जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। दोस्तों वैसे तो हम आपने इन तीनों के बारे में सुना ही होगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें संबंधित हैं। दोस्तों समझने की दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि वे सभी चीजें या वे सभी कार्य जो कि नेचुरल या फिर नेचर से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है? नेचर से संबंधित अगर कोई भी काम है तो वो सब किस में आता है? डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होना चाहिए दोस्तों। वो तो आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि फसल उगाना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, या फिर ऐसा कोई भी काम जो कि डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड है दोस्तों, वो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद आता है दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फिर जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या फिर द्वितीयक क्षेत्र। दोस्तों इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर या कि या फिर हम कहें प्राइमरी सेक्टर से जो प्राप्त प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के को प्रोसेस करके जब अन्य प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, वे सभी आते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर में। दोस्तों नाम से ही कैसा स्पष्ट है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या, उद्योग, कारखाने, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट है वह आउटपुट इसमें इनपुट बनता है और यहाँ पर प्रोसेसिंग के द्वारा कुछ नया जनरेट होता है दोस्तों। जैसे कि लकड़ी पेड़ों से प्राप्त हुई, प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट, और इससे हमने बनाया फर्नीचर। इसी प्रकार लोहा जमीन से प्राप्त हुआ, उससे हमने विभिन्न चीजें बनाई। इसी प्रकार से ये सेकेंडरी सेक्टर है जो बेसिकली बात करता है उद्योग की। इसकी बात करता है दोस्तों उद्योग की। अब इसके बाद में आता है दोस्तों लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर। दोस्तों प्राइमरी सेक्टर हो या द्वितीयक क्षेत्र हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर का काम हो या इंडस्ट्री का काम हो, दोनों में ही सर्विस सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों सर्विस सेक्टर का बेसिकली काम होता है कि जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और जो लोग द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें उनके कार्य को बेहतर बनाने के लिए सुविधाएं उत्पन्न कर उपलब्ध करवाना। दोस्तों सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, भंडारण की विभिन्न सेवाएं, ये सभी सेवाएं, इंश्योरेंस सर्विसेज और भी बहुत सारी जितनी भी सेवाएं जो हैं, जो कि इनका जो बिजनेस है, इनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उनको मोर एफिशिएंट करते हैं, उनको और ज्यादा प्रभावी बनाते हैं, वे सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि इंडियन इकोनॉमी में अब तक हमने चार विशेषताओं के बारे में बात की। सबसे पहली विशेषता हमने बात की कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक मिक्स इकोनॉमी है। उसके बाद में हमने बात की कि इंडियन इकोनॉमी में जो मार्केट है उसकी साइज बहुत ज्यादा है, बिग मार्केट है इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद में हमने बात की कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और तेज गति से बढ़ रही है। और दोस्तों पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में हम बात की कि एम्प्लॉयमेंट तीन सेक्टर्स में प्रोवाइड किया जाता है, एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर और एक है थर्ड सेक्टर जिसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। दोस्तों साथ ही हमने ये भी जाना कि इन तीनों सेक्टर्स में जहां पर आजादी के समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अवर कंट्री अवर इकोनॉमी वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर निर्भर थी दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर थी। यहाँ की अधिकांश जनता जो गांव में निवास करती थी और अभी भी गांव में निवास करती है, उसका मुख्य आजीविका का स्रोत जो था दोस्तों क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो प्राकृतिक नेचर से जुड़े हुए जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो फसल उगाना हो, खेती करना हो, पशुपालन करना हो, मछली पालन करना हो, मधुमक्खी पालन करना हो, और भी बहुत सारे कार्य जो कि एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं, नेचर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं, वे सभी पर भारत की जनता या भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर थी। फिर हमने बात की दोस्तों उद्योगों की, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से द्वितीयक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारत ने अच्छी खासी ग्रोथ की। आज भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा, रिलायंस और भी बहुत सारी कंपनियां दुनिया में एक विशेष नाम रखती हैं सेकेंडरी सेक्टर में भी। और इसके बाद में जो आज का इंपॉर्टेंट, आज का यानी कि प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम
मैं इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है दोस्तों वो कौन सा है, सर्विस सेक्टर। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था आज मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है और आज भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में अपना रोजगार पाए हुए है और यहाँ से इंडियन इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है। दोस्तों ये प्रमुख चार बिंदु थे जिन पर हमने आज चर्चा की। आने वाले वीडियो में, आने वाले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को, इसी बिंदु को कंटिन्यू करेंगे और इंडियन इकोनॉमी की अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। आपको आई होप ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और अगर आपको इस पर कोई सुझाव देने हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखें और साथ ही इसकी जो क्विज है, इसका जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से निरंतर उपलब्ध हो रहे हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ और पीपीटी प्रेजेंटेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर करें ताकि वे भी हमारे इस प्रयास से जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।